नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी भाग 7, लेखक कुलदीप नैयर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, थैंक यू, धन्यवाद। इमरजेंसी लगाए जाने के 8 हफ्ते बाद अगस्त महीने में संजय ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने सोच लिया कि उनके पास ताकत है और यह तय कर लिया कि कई चीज़ों पर वह अपनी राय देंगे। नई दिल्ली की एक पत्रिका सर्ज को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के खिलाफ हैं। उन्होंने टैक्स में जो छूट जो सच हो गया दी और अर्थव्यवस्था की व्यवहारिकता हेतु निजी क्षेत्र के लिए एक बड़ी भूमिका पर जोर दिया। उनके दक्षिणपंथी विचारों को सब जानते थे और उन्हें कम्युनिस्टों से नफरत थी। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ टिप्पणी की और गैर कम्युनिस्ट दलों के कामकाज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैं नहीं समझता कि आपको और कहीं भी इतने अमीर और भ्रष्ट लोग मिलेंगे। अगले दिन एक सीपीआई समर्थक मंत्री चरणजीत यादव ने श्रीमती गांधी से कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी नाराज है। हैरानी की बात है कि उन्होंने कहा कि संजय को खुलकर राजनीति में आ जाना चाहिए और श्रीमती गांधी उन्हें पार्टी में कोई काम सौंप दें। वे ऐसा नहीं सोचती थी। उन्होंने कहा कि उसे राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने इंटरव्यू का बचाव यह कहते हुए किया कि वे कर्मठ हैं, विचारक नहीं। सीपीआई को बहुत बुरा लगा। वह ऐसी पार्टी थी जो किसी भी हद तक जाकर श्रीमती गांधी का समर्थन कर रही थी। वह सोवियत ब्लॉक के साथ उनके करीबी संबंधों को देख रही थी। दूसरी तरफ उनका बेटा था जो न केवल दक्षिणपंथी रुख अपना रहा था बल्कि कम्युनिस्टों पर हमले भी कर रहा था। श्रीमती गांधी से सीबीआई के विरोध का असर हुआ। समाचार की ओर से सभी अखबारों को भेजे गए संजय के इंटरव्यू को रोक दिया गया। केवल द इंडियन एक्सप्रेस ने वह इंटरव्यू 28 अगस्त को छापा। संजय ने उसी अखबार को एक स्पष्टीकरण जारी किया और कहा, मैंने पूरी पार्टी को लेकर एक व्यापक बयान नहीं दिया था। बेशक स्वतंत्र जनसंघ और बीएलडी में दौलतमंद लोग हैं और भ्रष्टाचार भी ज़्यादा है। मुझे गुस्सा इस वजह से आया क्योंकि मैंने सुना था कि कुछ लोग खुद को मार्क्सवादी कहते हैं और महान दिखाते हैं, वे वास्तव में अमीर हैं और ईमानदार भी नहीं हैं। उस दिन के बाद से संजय और सीपीआई में तलवारें खींच गई। श्रीमती गांधी जानती थीं कि संजय को सीपीआई फूटी आंख नहीं सुहाता, लेकिन वे अक्सर उनसे कहती थीं कि अगर वे हमारी शर्तों पर हमारे साथ रहना चाहते हैं तो इसमें हमारा क्या जाता है। उनकी चिंता जेपी को लेकर थी, जो भारत की नैतिकता की आवाज़ और महात्मा गांधी के भावुक आदर्शवाद के सच्चे उत्तराधिकारी बनकर उभरे थे। उन्हें महात्मा के अंतिम जीवित शिष्य और जेपी के राजनीतिक गुरु आचार्य विनोबा भावे का ख्याल आया, जो अब 81 के हो चुके थे। 7 सितंबर को वे उनसे नागपुर के करीब पुनार में मिलने पहुंची। लोग उन्हें बाबा कहते थे। बाबा ने जेपी की गिरफ्तारी पर चिंता जताई और चाहते थे कि बिना शर्त उन्हें रिहा कर दिया जाए। एक वर्ष तक मौन साधे रहने के अपने वचन को भंग करते हुए उन्होंने श्रीमती गांधी से कहा कि उनकी अंतिम इच्छा है कि उनके और जेपी के बीच सुलह हो जाए। भावे ने सार्वजनिक तौर पर और कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना कहा कि इमरजेंसी अनुशासन का एक युग था। सरकार ने इस कथन का प्रयोग एक नारी के रूप में इस हद तक किया कि डाक टिकट को भी बदसूरत बना दिया। उन्हें सरकार का खेल समझ आ गया और उन्होंने पुनार में आचार्यों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने उनसे कहा कि वे देश की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण निष्पक्षता से करें और सुख और शांति के लिए एक अनुशासन को विकसित करें। यह प्रशंसनीय है कि कुलपतियों, न्यायविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और लेखकों समेत अलग अलग समूहों से आए सदस्यों के बीच आम राय थी। 3 दिनों की चर्चा के बाद 1000 शब्दों का जो वक्तव्य जारी हुआ वह स्पष्ट और असंदिग्ध था, तथा उसने बीच का रास्ता अपनाया। इसने पिछली घटनाओं के लिए दोषारोपण नहीं किया।
एक तरफ इसने इमरजेंसी लागू किए जाने के बाद से उद्योग, अर्थव्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्रों में हुई सकारात्मक घटनाओं की सराहना की, तो दूसरी ओर इसने कहा कि अहिंसा और सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखने वाले सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में अनिश्चितकाल के लिए की गई गिरफ्तारी देश के हित में नहीं है। इस वक्तव्य से श्रीमती गांधी इतना चिढ़ गईं कि उन्होंने भावे के दूत बनकर दिल्ली आए श्रीमन नारायण को हफ्ते भर इंतजार कराने के बाद भी मिलने का समय नहीं दिया। भावे ने श्रीमती गांधी का विरोध नहीं किया, इसकी बजाय उन्होंने आचार्यों और बुद्धिजीवियों की एक और भी बड़ी बैठक को रद्द कर दिया, जिसे मौजूदा गतिरोध का जल्द समाधान निकालने के लिए बुलाया गया था। कुछ बुद्धिजीवियों ने दूसरे तरीके से विरोध किया। वे महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को इकट्ठा हुए और इमरजेंसी के खिलाफ नारे लगाए। विरोध करने वालों में 85 वर्षीय गांधीवादी LB कृपलानी भी थे। पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, फिर छोड़ दिया गया। केरल में दूर दराज के गांवों में भी महात्मा गांधी के जन्मदिन पर पोस्टर लग गए, जिनमें लोगों से अपील की गई कि वे अन्याय और अत्याचार के डर से कायर न बने। उस दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने श्रीमती गांधी को हिला दिया। चाकू लिए हुए एक आदमी सुरक्षा जांच को चकमा देकर राजघाट में प्रार्थना सभा के दौरान उनके करीब बैठ गया। उनके उप रेल मंत्री और ताकतवर शफी कुरैशी ने उस आदमी को काबू कर लिया। उन्होंने एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और इस बीच उनकी सुरक्षा में लगे जवानों की संख्या बढ़ाकर 2000 कर दी गई। महात्मा के जन्मदिन पर भारत को सबसे बड़ा झटका कामराज की मृत्यु के तौर पर लगा। इमरजेंसी से के कामराज को बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी। वे अक्सर कहते थे कि वे एक तानाशाह बनने की राह पर जा रही हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि सचमुच बन जाएंगी। अपनी मौत से एक महीने पहले, जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा था, उनका सबसे बड़ा डर यह था कि अगर आर्थिक और राजनीतिक एकता में देरी हुई तो भारत टूट जाएगा और उत्तर तथा दक्षिण अलग अलग हो जाएंगे। इमरजेंसी ने इस समस्या पर बस पर्दा डाला, इसका समाधान नहीं किया। वास्तव में कामराज ने अपनी मौत से पहले कुछ करीबी मित्रों से कहा था कि इमरजेंसी में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। नहीं, JP और श्रीमती गांधी के बीच वे मध्यस्थ थे, क्योंकि वह किसी पर भरोसा नहीं करती थी। एक बार JP से उन्होंने कहा कि वे श्रीमती गांधी पर जरा भी विश्वास नहीं करते। DMK और ADMK के दोनों के ही विरोधी होने के कारण कामराज के लिए बहुत थोड़ी सी गुंजाइश थी। जैसा कि JP ने 3 अक्टूबर को अपनी जेल डायरी में लिखा था, वे जानते थे कि श्रीमती गांधी जैसी निर्लज्ज नेता को ADMK के साथ हाथ मिलाने में कोई संकोच नहीं होगा, और उन्हें उस बात की आशंका थी। इसलिए न चाहते हुए भी उन्हें अगले चुनाव में अकेले ही उतरना था। श्रीमती गांधी को दक्षिण का साथ चाहिए था। वे जानती थीं कि उत्तर में इमरजेंसी अलोकप्रिय है। कामराज की मृत्यु के बाद वे इस बात को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं कि दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हो गया और दोनों बहुत करीब आ गए थे। यह सच नहीं था, लेकिन कामराज से कौन पूछता। वे कहा करती थीं कि कामराज तमिलनाडु कांग्रेस ओ का इंदिरा गांधी के कांग्रेस में विलय करना चाहते थे। सच है कि इमरजेंसी से पहले कामराज कांग्रेस ओ का विलय कांग्रेस में करना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिससे कि सभी राज्यों में कांग्रेस ओ के नेताओं को मुख्य कांग्रेस में पद मिले। कामराज के अंतिम संस्कार के लिए श्रीमती गांधी खास तौर पर विमान से मद्रास पहुंची। इन्होंने तमिलनाडु के लोगों को प्रभावित किया और कुछ को उनकी कहानी पर यकीन भी हो गया। अगर कामराज कुछ दिन और जीवित रहते तो कांग्रेस में शामिल हो जाते। इस सोच का उन्हें अगले लोकसभा चुनावों में फायदा मिला। महात्मा की जयंती पर एक और चीज हुई। विपक्षी नेताओं ने लोगों से इमरजेंसी के खिलाफ एक दिन की भूख हड़ताल का आह्वान किया। देश भर के राजनीतिक बंदियों ने इसका पालन किया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में उस रात जेल अधीक्षक वार्ड 15 में 300 अधिकारियों और आरोपियों के साथ दाखिल हुआ। उसने बंदियों को भयभीत करने की कोशिश की। अधीक्षक ने सोचा कि महात्मा गांधी की जयंती बंदियों की ओर से की जा रही मामूली मांगों का जवाब देने के लिए अच्छा मौका है। वे जेल मैनुअल के अनुसार बेहतर सफाई, चिकित्सा सुविधा और भोजन तथा कपड़े, मुलाकात और कोर्ट या अस्पताल ले जाते समय हथकड़ियां उतारने की मांग कर रहे थे।
तिहाड़ जेल के कैदियों ने 3 अक्टूबर को भी भूख हड़ताल जारी रखी। चरण सिंह, राजनारायण और नानाजी देशमुख ने उनकी मांगों का समर्थन किया और कुछ हद तक झुकी और कैदियों की कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया, लेकिन हिरासत में लिए जाने के नियम और सख्त कर दिए गए। 18 अक्टूबर को मीसा में इस तरह के और संशोधन किए गए कि इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार को किसी को भी, यहां तक कि न्यायपालिका को भी, यह बताने की ज़रूरत नहीं थी कि गिरफ्तारी क्यों की गई है। इस अध्यादेश को पूर्व प्रभाव से 29 जून से लागू कर दिया गया ताकि पहले से ही गिरफ्तार किए गए लोग गिरफ्तारी को चुनौती न दे सकें। इस कदम के बाद 13 सितंबर को मेरी रिहाई हुई। उस दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सरकार कोर्ट को यह संतुष्ट करने में विफल रही है कि कुलदीप नैयर को आंतरिक सुरक्षा के कानूनों के तहत विधिपूर्वक हिरासत में रखा गया है। ब्रिटिश संचार एजेंसी रॉयटर्स की न्यूज़ सर्किट को 9 अक्टूबर को काट दिया गया क्योंकि उसने इस खबर और कुछ अन्य खबरों को सेंसरशिप के नियमों का उल्लंघन करते हुए जारी किया था। सर्किट को फिर से चालू करने में 3 महीने लग गए। मीसा को ज़्यादा सख्त बनाने और राइटर्स का सर्किट काट दिए जाने से विदेश में यह संदेश दिया गया कि भारत पूरी तरह से तानाशाही की दिशा में बढ़ रहा है। अमेरिका के वाशिंगटन में कॉल के घर के करीब भारतीय छात्रों ने मार्च ऑफ फ्रीडम निकाला। कॉल ने कायदे से बाहर जाकर भी इमरजेंसी का बचाव किया था, यहाँ तक कि यह धमकी भी दी कि अमेरिका को एक दिन अफसोस होगा कि उसने भारत के अपने तरीके के लोकतंत्र को स्वीकार क्यों नहीं किया। उन्होंने दिल्ली में शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी कि उन छात्रों की स्कॉलरशिप वापस ले लें जो इमरजेंसी की तारीफ के गीत नहीं गा रहे थे। उन्होंने कुछ छात्रों के पासपोर्ट को रद्द करा दिया क्योंकि वे भारत को बदनाम करने पर तुले थे। शिकागो में करीब 100 लोगों ने एक प्रदर्शन किया, उसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हुए, पेशेवर लोग, कारोबारी और छात्र। महात्मा गांधी की एक बड़ी तस्वीर लेकर निकले जिसमें उनके हाथों में जंजीरें बंधी थीं, जो ये दिखा रहा था कि यदि वे जीवित होते तो आज जेल में होते। चव्हाण, जो 9 अक्टूबर को शिकागो में थे, उनकी बड़ी फजीहत हुई। कई बार उनके भाषण को रोका गया, लोग शेम शेम चिल्ला रहे थे। जब यह ऐलान किया गया कि मंत्री केवल लिखित प्रश्नों का जवाब देंगे तो दर्शकों ने हूटिंग की। इससे पहले न्यूयॉर्क में एक बैठक में उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की मौत कोई भारत में नहीं हुई है, बल्कि यह पहले से भी अधिक जीवंत है। जिनेवा में चर्चों के विश्व परिषद ने 23 अक्टूबर को श्रीमती गांधी से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करने और अभिव्यक्ति की आज़ादी देने की अपील की। परिषद के महासचिव ने एक चिट्ठी भेजकर बिना सुनवाई राजनीतिक हस्तियों को बंदी बनाकर रखे जाने पर दुख जताया और कहा कि सरकार की आपातकालीन शक्तियां मानवाधिकारों में गंभीर कटौती करती हैं। श्रीमती गांधी अपने बचाव में कहती थीं कि इमरजेंसी प्राथमिकताओं के सही क्रम में है, जैसा कि संविधान में दर्ज है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में पहले सामाजिक और आर्थिक न्याय लिखा है और फिर राजनीतिक न्याय। इस बात से ज़्यादातर लोग सहमत नहीं थे, लेकिन अब उनकी ताकत बढ़ गई थी। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 2 चुनावी मामलों में 12 जून को उन्हें दोषी ठहराए जाने के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट की ओर से श्रीमती गांधी के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर लगाई गई पाबंदी को भी समाप्त कर दिया गया। 5 सदस्यीय पीठ का फैसला मामले के तथ्यों पर आधारित नहीं था, बल्कि चुनावी कानून के संशोधन पर आधारित था जिन्हें संसद ने अगस्त में पारित किया था। उसने ही उन्हें दोष से मुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 53 वोट से अगस्त में संसद द्वारा पारित विशेष संविधान संशोधन के एक हिस्से को भी निरस्त कर दिया, जिसने अदालतों से प्रधानमंत्री के चुनाव के मामले में फैसला करने का अधिकार छीन लिया था। इस फैसले ने राजनारायण के इस दावे को सही ठहराया कि छूट का यह व्यापक अधिकार संविधान की मौलिक भावना का हनन करता है। इन 5 जजों में से एक, जो आगे चलकर समय से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, M.H. Begg, उन्होंने इस धारणा के साथ मुकदमे पर गौर किया कि केस पर फैसला उस कानून के आधार पर सुनाया जाना चाहिए था जो हाई कोर्ट में याचिका पर फैसला सुनाने के दौरान अस्तित्व में था। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि हाई कोर्ट के निष्कर्षों को वैध नहीं ठहराया जा सकता है।
वेग ने कहा कि ऐसा लगता है कि विद्वान जज इस तथ्य को लेकर बिना वजह सजग थे कि वे देश के प्रधानमंत्री के मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। इस कारण उन्होंने अपने फैसले में जो संकेत दिए उसमें इस तथ्य से उसे प्रभावित होने नहीं दिया। फिर भी जब सबूतों के मूल्यांकन का समय आया तब मुझे लगता है कि उन्होंने उसका मूल्यांकन करने में असमान मानदंड अपनाए, जिससे कि चुनाव याचिकाकर्ता को इस बात से काफ़ी हद तक निश्चिंत कर दिया कि चुने जाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पर सबूत उपलब्ध कराने की बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। श्रीमती गांधी की पार्टी ने जीत का जश्न मनाया और कहा, लोकतंत्र के रास्ते को पूरी तरह सही ठहराया गया है, यह फैसला लोकतांत्रिक ताकतों की जीत है। लेकिन उनके विरोधियों ने उस कड़वे तथ्य को सामने रखा कि कोर्ट का फैसला संसद में उनकी पार्टी की मांग पर नए सिरे से लिखे गए चुनाव कानून पर आधारित था, जिसने उन्हें पिछली तारीख से दोषमुक्त किया। इस फैसले के तुरंत बाद सरकार ने मुख्य न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया, जिसने संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन के संसद के अधिकार को सीमित कर दिया था। विभिन्न उच्च न्यायालयों में लगभग 300 रिट याचिकाएं लंबित थीं, जो इस आधार पर सरकार के नियमों और कानूनों को चुनौती दे रही थीं कि वे संविधान के मौलिक ढांचे का हनन करती हैं। आंध्र प्रदेश से परीक्षण के तौर पर एक केस लिया गया। नीरेन डे ने कहा कि 1973 के फैसले ने संविधान की अनिवार्य विशेषताओं की व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं की थी और उस पर फिर से विचार करना चाहिए ताकि संसद अपने अधिकार को जान सके। पालखीवाला ने सरकार पर असभ्यों जैसी जल्दबाजी दिखाने का आरोप लगाया, जो एक अदालत के सबसे ऐतिहासिक फैसले की समीक्षा की अपील उसे दिए जाने के महज 2 वर्ष बाद ही कर रही थी। 3 दिनों की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ने अचानक 13 जजों की बेंच को भंग कर दिया। उन्हें पता चल गया था कि ज़्यादातर जज इसकी समीक्षा के पक्ष में नहीं हैं। यह सरकार के लिए झटका था, जो कई महीने बाद पहली बार लगा था। समर्पित वकीलों ने अपने काम के दायरे को बढ़ा लिया। उन्होंने बंदियों की रिहाई या जेलों में बेहतर जीवन स्तर को लेकर हजारों रिट दायर कर दिए। बंगलौर हाई कोर्ट में शांति भूषण ने आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, कांग्रेस ओके एस एन मिश्रा, समाजवादी मधु दंडवते का बचाव किया। जब इमरजेंसी लगी थी तब वे कर्नाटक में थे। शांति भूषण ने कहा, हम पूरी इमरजेंसी और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को चुनौती दे रहे हैं कि आखिर कैसे वे उसका हिस्सा हैं जिसे श्रीमती गांधी ने गंभीर रूप से खतरनाक साजिश कहा, जिसके चलते इमरजेंसी लगानी पड़ी। 2 अन्य वकीलों ने भी बंदियों को मुक्त कराने के मुकदमे लड़कर ख्याति प्राप्त की। V.M. ताराकुंडे, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज, और बॉम्बे के सोली सौरभ जी। ताराकुंडे ने सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी नाम से एक मंच का गठन किया। उसने बंद दरवाजों के पीछे कई मीटिंग की, जिसमें मौलिक अधिकारों को वापस करने की मांग की गई थी। अहमदाबाद में 12 अक्टूबर को उसका एक सम्मेलन हुआ, जिसे बॉम्बे के पूर्व चीफ जस्टिस M.C. छागला, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस J.C. शाह, तारा कुंडे, मिनो मसानी तथा कुछ अन्य वकीलों ने संबोधित किया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए छागला ने कहा, आज जेल में बंद ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वे वहाँ क्यों हैं और वे अपना बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ कोई आरोप ही नहीं वहाँ बचाव भी नहीं हो सकता। वे किसी और अधिकरण के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि सब बंद पड़े हैं। उनके भाषण के चलते बड़ौदा के एक साप्ताहिक भूमिपुत्र की तथा महात्मा गांधी की ओर से स्थापित नवजीवन ट्रस्ट की मुश्किल बढ़ गई। भूमिपुत्र का प्रेस सील कर दिया गया। यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां जजों ने सेंसरशिप के कुछ निर्देशों को अमान्य करार दिया। वह फैसला भी तब तक सामने नहीं आया जब तक कि हाईकोर्ट ने उसके प्रकाशन का आदेश नहीं दिया और उसने कहा, किसी नागरिक की स्वच्छंदता को बनाए रखने के लिए कोर्ट का कोई भी फैसला किसी को भी कभी नुकसान या पक्षपात का शिकार नहीं बना सकता। नवजीवन ट्रस्ट प्रेस, जहां से महात्मा गांधी अपने यंग इंडिया और हरिजन का प्रकाशन कराते थे और अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, ने धरती पुत्र के मामले पर एक बुकलेट छापी। पुलिस ने प्रेस पर धावा बोल दिया, उसे सील कर दिया और 6 दिनों तक बंद रखा। प्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ समय बाद उसे यह कहा गया कि अगर नवजीवन अपनी सारी प्रकाशित होने वाली सामग्री सेंसरशिप के लिए सौंप दे तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी।
जितेंद्र देसाई जो प्रेस के मैनेजर थे ने कहा कि आज़ाद भारत की सरकार ने उस संस्थान को सील कर दिया जिसे महात्मा ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए खड़ा किया था। कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले कुछ वकीलों ने 8-9 नवंबर को कर्नाटक राज्य के वकीलों का सम्मेलन आयोजित किया। यह प्रचारित किया गया कि इसका आयोजन गरीबों को कानूनी मदद के संबंध में किया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए 1 लाख रुपए दे दिए। आयोजकों की असली मंशा इमरजेंसी के पक्ष में प्रस्ताव पारित करने की थी। बड़ी संख्या में उन वकीलों को इसमें शामिल नहीं होने दिया गया जो खुलकर कांग्रेस के खिलाफ थे। 1800 में से केवल 600 वकील ही शामिल हुए। इसके बावजूद जब श्रीमती गांधी को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी अपील में मिली सफलता पर बधाई देने का प्रस्ताव सम्मेलन में लाया गया तब उसके पक्ष में केवल 10 वोट पड़े जबकि 490 उसके खिलाफ। बेशक कांग्रेस में हुई यह अपने तरह की अकेली घटना थी लेकिन देश भर में वकीलों के अंदर भारी रोष था। बार के कमरों में वे खुलकर इमरजेंसी और उससे जुड़े दमन की निंदा किया करते। कुछ वकीलों ने अनजान की चिंता किए बगैर कानून के शासन की लड़ाई लड़ी। कई जजों ने जिनमें से अधिकांश हाई कोर्ट के थे ने भी सरकार के समझाने बुझाने की परवाह नहीं की। उदाहरण के लिए मोरारजी देसाई और उनकी बहू श्रीमती पद्मा देसाई पर एक इंटरव्यू की वजह से केस किया गया था लेकिन मीसा हिरासत में बंदियों की स्थिति के नियम संदर्भ के लिए उपलब्ध नहीं थे। दिल्ली गजट ने उन्हें प्रकाशित किया था लेकिन प्रतियां समाप्त हो गई थी। रंगराजन और अग्रवाल नाम के दो जजों ने उनकी याचिका सुनी और कहा कि कार्यपालिका के गुप्त आदेश कानून से ऊपर नहीं हो सकते और इंटरव्यू तथा पत्राचार पर रोक लगाने संबंधी शर्तों को खारिज कर दिया। भीमसेन सच्चर की चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वाली एस डी शर्मा की पत्नी श्रीमती सत्या शर्मा को यह फैसला सुनाया गया कि कार्यपालिका की कार्रवाई को इमरजेंसी के दौरान भी किसी मान्य कानून के आधार पर सही ठहराया जाना चाहिए। इलाहाबाद के चीफ जस्टिस बी अस्थाना ने एक प्रोफेसर को बंदी बनाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल सरकारी ढोंगी आदेश किसी की गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। बॉम्बे में जस्टिस जे आर वीमा दलाल और पी एस शाह ने महाराष्ट्र हिरासत की शर्तों पर आदेश में दिए भोजन मुलाकात और चिकित्सा संबंधी शर्तों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एक हिरासती दोष सिद्ध अपराधी नहीं है और हिरासत में लेने की शक्ति सजा देने की शक्ति नहीं है और यह भी कि हिरासती पर लगाई जाने वाली पाबंदियां हिरासत के अनुरूप कम से कम होनी चाहिए। महाराष्ट्र के कार्यकारी चीफ जस्टिस वी डी तुलजापुरकर ने नागरिक स्वतंत्रता और संविधान के अंतर्गत कानून के शासन की चर्चा के लिए आयोजित वकीलों की निजी बैठक पर रोक लगाने के पुलिस आदेश को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कोई भी सरकार जो सार्वजनिक चर्चा में इमरजेंसी की शांतिपूर्ण और सकारात्मक आलोचना को दबाती हो, कोई भी सरकार जो स्वतंत्रता की रक्षा केवल कायर और डरपोक लोगों से के लिए करती हो और कोई भी सरकार जो अपने पुलिस प्रमुख को सताने की इजाज़त देती हो या नागरिकों को सामान्य बेकसूर और आहानिकर गतिविधियों के लिए पहले से अनुमति हासिल करने के अपमान और तिरस्कार पर मजबूर करती हो उसे दुनिया के सामने यह दावा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। हालांकि ऐसे मामले एक आध ही थे। सरकार ने कुछ और लोगों के मामले में पूरी सख्ती दिखाई। कम से कम 400 मामले जिनमें श्री मधु लिमये का मामला भी शामिल था बिना किसी पक्ष की मौजूदगी के सुने गए और वादियों को सुनवाई का मौका दिए बिना ही बर्खास्त करने के रूप में वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेशों की टाइमिंग ऐसी रखी जाती थी जिससे कि छात्र कैदी अपनी परीक्षा न दे सकें। बॉम्बे में मेयर के चुनाव को भी नहीं होने दिया गया। साफ तौर पर सरकार की कार्रवाई से कम दिल्ली के वकील नहीं डरे। इमरजेंसी जब अपने सबसे ऊंचे और गंदे रूप में थी तब 7 अप्रैल को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने संजय के पसंदीदा उम्मीदवार डीडी चावला को हराकर प्राणनाथ लेखी को चुन लिया जो उस वक्त तिहाड़ जेल की एक कोठरी में अकेले रखे गए थे। जिला बार संघ ने भी एक और बागी वकील कंवरलाल शर्मा को चुना जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया। यह संजय के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी जिन्होंने जिला और सेशन कोर्ट के वकीलों के लगभग 1000 चैम्बरों को ध्वस्त कराने का आदेश दिया। बुलडोजर उन्हें गिराते जा रहे थे और पुलिस सुरक्षा में तैनात थी। चूंकि उस दिन छुट्टी का दिन था इसलिए उनमें कोई मौजूद नहीं था
लेकिन जैसे ही खबर फैली, बदहवास वकील अपनी संपत्ति को बचाने के लिए आनन फानन में पहुंचे। उन्हें बड़ी सख्ती से खदेड़ दिया गया और कई शांत स्वभाव के वकीलों का पुलिस ने पीछा किया, जो एक महीने से भी अधिक समय तक छिपे रहे। अगले दिन बार एसोसिएशन के सदस्यों का एक दल अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली के चीफ जस्टिस TVR ताताचारी से मिलने गया। एक ही बस में जा रहे 43 वकीलों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, 24 को मीसा के तहत और 19 को DIR के तहत। केंद्रीय भवन और निर्माण राज्य मंत्री HKL भगत ने एक दूसरे प्रतिनिधिमंडल से कहा कि शायद दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ सौहार्द की कमी के चलते तोड़फोड़ की गई है। ओम मेहता ने तीसरे प्रतिनिधिमंडल से कहा कि अब और तोड़फोड़ नहीं होगी। लेकिन अगले ही दिन रविवार को DDA ने 200 और वकीलों के केबिन तोड़ दिए। छुट्टियों के दौरान बाकी बचे 500 के करीब चैम्बरों को भी तोड़फोड़ कर हटा दिया गया। तोड़फोड़ की वैसी ही सरकारी कार्रवाई शहादरा और संसद मार्ग क्रिमिनल कोर्ट में की गई। कुल मिलाकर 58 वकीलों को जेल में डाल दिया गया, केवल एक को छोड़ा गया। वे थे अशोक सप्रे, जो DIG पुलिस के बेटे थे, जिन्हें रात को चुपचाप छोड़ दिया गया। लेकिन वकील अपवाद के तौर पर सामने आए। अन्य लोगों ने कमोवेश इमरजेंसी को जीने का तरीका मान लिया। कुछ ने शांति और अनुशासन की प्रशंसा भी की। छात्र, जो JP की उम्मीद थे, काफ़ी हद तक कैंपसों में खामोश थे। उन्होंने विरोध किया था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अगस्त में एक दिन और सितंबर में 3 दिनों की हड़ताल की। किसी भी अन्य कैंपस की तरह ही यह कैंपस भी बुद्धिजीवियों से भरा था। जब 15 योग्य छात्रों को दाखिला नहीं दिया गया, तब छात्र संघ के अध्यक्ष ने विरोध किया। कुलपति ने उन्हें निकाल दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 500 शिक्षकों और छात्रों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें युवा नेता अरुण जेटली भी शामिल थे। दिल्ली के कुछ छात्रों को उनके स्कूलों से 2 साल के लिए निकाल दिया गया। हाईकोर्ट ने उन्हें फिर से स्कूल भेजने का आदेश दिया। कुछ पुलिस इंस्पेक्टरों ने अपने आप को छात्र बताकर दाखिला ले लिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।